भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष 30 मई 2021 को पूर्ण होने पर कोविड-19 की पालना करते हुए सेवा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न सेवा कार्य संगठन के माध्यम से किए जा रहे हैं। वहीं विश्व शांति एवं कोरोना वायरस के निवारण के लिए आसिंद हुरडा क्षेत्रीय विधायक जबर सिंह साखला ने आसिंद के बड़े मंदिर में गायत्री यज्ञ नगर और देश की मंगल कामना के लिए हवन किया। गायत्री परिवार के सदस्य रमेश टेलर, रमेश तोलंबिया ने मंत्रोच्चार के साथ दिलवाई और हवन किया। वहीं इस मौके पर आसिंद नगर पालिका के चेयरमैन देवीलाल साहू, नगर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण शिवा, महामंत्री गोपाल सिंह चोड़ावत, पूर्व पार्षद गौतम चौड़िया, गंगा सिंह चोड़ावत, चुनेलाल सिंधी, आईटी सेल प्रभारी ऋतुराज सिंह सिसोदिया, लादू टेलर सहित विभिन्न कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो यह कार्यक्रम हुआ है मंदिर में, तो उसके बारे में जानकारी। आज पूरे विश्व में, पूरे प्रदेश में, पूरे हमारे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में शांति बनी रहे और कोरोना की जो महामारी भी चल रही है उसमें लोगों को राहत मिले, रोग स्वस्थ रहे, इसके लिए हमारे आसिंद शहर में भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गायत्री परिवार के हमारे आदरणीय रमेश जी टेलर साहब, रमेश जी बहुजी और इधर रमेश जी टेलर साहब, आप दोनों को गुरुदेव के सानिध्य में एक कार्यक्रम हुआ है। अभी हम सब लोगों ने मिलकर के हवन कराया है। सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए उस कार्यक्रम में केवल 7 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में, हमारे देश में, हमारे पूरी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में अमन चैन बना रहे, कोरोना की महामारी से हमें मुक्ति मिले और बहुत ही जल्द हम आशा करते हैं कि भगवान चारभुजानाथ की कृपा हमारे ऊपर होगी, माता गायत्री माता की कृपा हमारे ऊपर होगी और इस कोरोना महामारी से हम जीतेंगे। बहुत जल्द इस कोरोना को हम हराएंगे। कोरोना हारेगा, हमारा देश जीतेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अपने घरों में रहें, कोई काम ना हो तो, जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और इस कोरोना को हराने में सरकार का सहयोग करें और आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।